जागते दो। आज मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। बुद्ध धर्म के शास्त्रों में इसका वर्णन है। तुम ये मत समझ लेना मैं बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मैं केवल उस दृष्टांत के मूल तक तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ बस। बोधि धर्म जब चीन गया तो वहाँ के राजा से मिला। राजा ने सोचा बोधि धर्म आ रहा है, कोई संत आ रहा है। राजा ने अपना बखान किया, मैंने इतने इतने मंदिर बनवाए, इतने धर्म कर्त किए, ये किया वो किया। राजा ने सोचा बोधि धर्म कहेगा बहुत पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा बहुत पुण्य होगा। लेकिन बोधि धर्म क्या बोलता है? बोधि धर्म बोलता है ये सब व्यर्थ की बकवास है, बेकार है, और बताओ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने मेरे किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया। ये जो पुण्य की गणना है ना, ये तुम्हारे पंडित पुरोहित ने तुम्हें सिखा दी है। एक गाय दान दो, अगले जन्म में तुम्हारे घर दूध दही की नदियां बहेंगी। यही सुना है ना तुमने? यहाँ एक ईंट लगवाओ, वहां तुम्हें पूरा का पूरा 100 गज का 500 गज का बंगला तैयार मिलेगा। यही तुम्हारे पंडित पुरोहित बोलते हैं और तुम लालच में आ जाते हो। दान देना, दया करना, धर्म में दान देना, ये गलत नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हारा जागरण नहीं होगा, जब तक तुम मूर्छा में रहोगे, जब तक तुम सोए सोए रहोगे, जब तक तुम अज्ञान में रहोगे, जब तक तुम्हारा बोध नहीं जगेगा, तब तक तुम जो भी कृत्य करोगे वो गलत ही होगा। चाहे दान दो चाहे मत दो, जो कृत्य तुमने मूर्छा में किया वो गलत ही होगा। मूर्छा से जागना है, जागरण तुम्हारा घटना चाहिए। तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, या अपने अपने धार्मिक संप्रदायों में, या गरीब आदमी को जैसे भी दान देते हो, तुम्हें क्या लगता है वो दान है? बिल्कुल नहीं। तुम अपने अपने अहंकार का बल बढ़ाने के लिए ऐसे कृत्य करते हो। तुमने देखा, अक्सर तुम देखो मंदिरों में अपने नाम का पत्थर लगवा लेते हो। तुम्हारे नाम का पत्थर लगाए, तुम्हें क्या लगता है लोग देखेंगे उसको? कोई भी नहीं देखेगा। एक बार तुमने देखा, तुम्हारे को अहंकार को बल मिला, मेरे नाम का पत्थर लगाए, मैंने अपने नाम का पत्थर लगवा लिया है, कोई नहीं देखेगा। इससे क्या हो रहा है? क्या ये दान है? तुम्हारे अहंकार को बल मिल रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। जागरण, तुम्हारा जागरण घटना चाहिए बस। जब तक तुम नहीं जागोगे ना, तुम्हारा बेहोशी में किया हुआ कोई भी कृत्य तुम्हें पुण्य नहीं देगा। और पुण्य तुम्हें, पुण्य और पाप दोनों कृत्य तुम्हें बंधन में बांधते हैं। तुम्हें दोनों से ऊपर उठना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पुण्य भी छोड़ दो और पाप भी छोड़ दो। जब तुम जाग जाओगे ना, तो जो कार्य करोगे वो पुण्य ही होगा, पाप होगा ही नहीं। क्या जागा हुआ व्यक्ति होश में जो व्यक्ति है, क्या वो किसी का खून कर सकता है? खून होता कब है? बेहोशी में। बेहोशी का मतलब क्रोध में। अब जब क्रोध आया, ज़्यादा क्रोध आया, तो वहाँ व्यक्ति तो बचा ही नहीं, वहाँ तो क्रोध ही बचा। जब क्रोध बचा, व्यक्ति मूर्छा में चला गया, क्रोध के वशीभूत हो गया, तो घटना घट गई। तो जागरण, जागा हुआ व्यक्ति हमेशा जो कृत्य करेगा वो सही होगा। तुमने नानक की शास्त्रों में नानक का पढ़ा है ना, नानक को तराजू में तोलते तोलते जागरण हो गया। याद आया, नानक तराजू में अनाज तोल रहे थे, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13। तो पंजाबी में 13 को 13 बोलते हैं। तो जैसे ही नानक 12 के बाद 13 में आया, तो बस नानक तो समाधि लग गई। तराजू से अनाज तोले जा रहे हैं, मुंह से 13-13 बोले जा रहे हैं, और समाधि, परमात्मा का दीदार, परमात्मा के साथ एकाकार, परमात्मा के साथ प्रेम। समाधि को ये मत समझना कि एक आदमी जड़वत होकर बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है, 4 घंटे तक हिलता ही नहीं, वही समाधि है। वो समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है, ध्यान का मतलब है कि उस अपने प्रेमी के प्रेम में इतना खो जाना कि तुम ना बचो और वो बचे, केवल एक
अब वहाँ नानक कहाँ बचे? अगर नानक बचते तो नानक को पता होता कि मैं जिसका अनाज तोल रहा हूँ वो क्रोधित होगा। वहाँ नानक थे ही कहाँ, वहाँ तो तेरा 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 बस तेरा बचा। बस यही है समाधि, यही है एकाकार, यही है जागरण। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। Mm-hmm.